नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोई भी ग्रह अपनी दशांतर दशा में किन किन भावों का फल देगा, और चूंकि अंतर दशा जो होती है वह लंबे समय की होती है, महादशा हो गई और महादशा में जो अंतर दशाएं चलती हैं, प्रत्यंतर दशाएं, उसी के दौरान हमें घटनाओं का अनुभव होता है। अब किसी ग्रह की महादशा काफ़ी लंबी चलेगी, उसमें जो अंतर दशाएं हैं वो भी साल, दो साल, ढाई साल, डेढ़ साल आदि की हो सकती हैं। अंतर दशाओं में पूरे समय तक तो घटनाएं घटित होंगी नहीं। मान लीजिए चौथे भाव को प्रभावित करने वाले किसी ग्रह की अंतर दशा है, तो चौथे भाव से संबंधित फल जीवन में आएगा। व्यक्ति घर ले सकता है, घर बेच सकता है, गाड़ी ले सकता है, गाड़ी बेच सकता है, भूमि भवन वाहन से जुड़ी घटनाएं जीवन में होंगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अंतर दशा दो साल की है, तो पूरे दो साल तो यही चीज़ें होंगी नहीं। घर व्यक्ति ले लेगा, गाड़ी ले लेगा। अब पूरे समय में, पूरे अंतर दशा के दौरान यह घटना कब घटित होगी, इस पे चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ ग्रह किन किन भावों का परिणाम देगा अपनी दशा अंतर दशा में, और साथ ही कुछ ऐसे सूत्र बताएंगे जिसमें आप यह जान सकेंगे कि जीवन में, पूरे जीवन में कुंडली के किन भावों के फलों की अनुभूति अधिक होगी। हर व्यक्ति के जीवन में कुंडली के 12 भाव हैं, उनके अलग अलग फल हैं, लेकिन हर भाव का फल जीवन में एकदम से परिलक्षित नहीं होता, अनुभव में नहीं आता। किसी को भूमि भवन वाहन का बहुत सुख है, किसी का बैंक बैलेंस अधिक है, किसी का दाम्पत्य बहुत अच्छा है, किसी का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, तो जीवन में किस भाव से संबंधित फलों की अनुभूति, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो, होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताता हूँ कि कोई भी ग्रह अपनी महादशा और अंतरदशा में किन भावों का फल अधिक देगा, चाहे महादशा की बात हो चाहे अंतरदशा, किन किन भावों का प्रभाव हमें मिलेगा, तो आप समझिएगा। एक तो ग्रह जो है जहाँ बैठा है, सबसे पहला प्रभाव वहीं पर डालेगा। यानी कोई भी ग्रह कुंडली के जिस भाव में बैठा है, उस भाव का फल देगा अपनी अंतरदशा में। पहला क्या हो गया, जहाँ बैठा है। दूसरा, जिस भाव का स्वामी होगा, वह ग्रह कुंडली में जिस भाव का स्वामी है, उस भाव का फल भी अपनी दशा अंतरदशा में अधिक देगा। तीसरा, ग्रह जहाँ दृष्टि डाल रहा है। अभी इसमें रोचक चीज यह बताएंगे कि जहाँ बैठा है उस भाव का फल सबसे अधिक कब देगा अपनी अंतरदशा में। जहाँ का स्वामी है उस भाव का फल अपनी अंतरदशा में कब देगा, जहाँ दृष्टि डाल रहा है कुंडली में उस भाव का भी फल देगा, लेकिन पूरी अंतरदशा के दौरान जहाँ दृष्टि डाल रहा उसका फल सबसे अधिक कब आएगा, अभी यहाँ पर बताएंगे। और ग्रह जो है उस भाव का भी फल देता है जिसके नक्षत्र में बैठा हो। हर ग्रह किसी न किसी ग्रह के नक्षत्र में होता है, जिस नक्षत्र में है उस भाव के स्वामी का भी फल देगा। जैसे मान लीजिए चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, तो चंद्रमा सूर्य का भी फल देगा, सूर्य जिस कुंड भाव में बैठा होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज, ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में कुंडली में उसकी उच्च राशि जहाँ पड़ेगी, या जहाँ कुंडली में उसकी नीच राशि है, उस भाव का भी फल देता है। अभी इसके बारे में मैं अलग से सब जितना लिख रहा हूँ उसको यहाँ पे समझाऊंगा। जिस जहाँ उसकी उच्च राशि नीच राशि है उस भाव का भी फल देगा, साथ ही साथ वह ग्रह जिस राशि तुल्य नवमांश में है उसका भी फल अपनी दशा अंतर दशा में देगा।
ये राशि तुल्य नवमांश अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। राशि तुल्य नवमांश का भी फल वह देगा। राशि तुल्य नवमांश किसी ग्रह का लग्न कुंडली में कहाँ पड़ता है अभी मैं आपको ये समझाऊंगा। ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में इतनी चीजों का फल देगा और बहुत सारी चीजें हैं दशा अंतर दशा पर, सब कार्यक्रम धीरे धीरे आपको मिलेंगे। कुंडली में जहाँ ग्रह बैठा है उसका फल देगा। कर्क लग्न की कुंडली मान लेते हैं, यह एक कुंडली आपके सम्मुख है, इसमें मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब इसी कुंडली के आधार पे मैं इन सूत्रों को समझाता हूँ कि मान लीजिए मंगल की अंतर दशा या महादशा चल रही है तो मंगल कैसे प्रभाव देगा। इस कुंडली में जब भी मंगल की दशा अंतर दशा आएगी तो मंगल जहाँ बैठा है, मंगल कहाँ बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, तो जातक को सप्तम भाव से जुड़े हुए फल की प्राप्ति होगी। सप्तम भाव से अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह होना देखेंगे। विवाह होने के बाद दाम्पत्य जीवन में अच्छा चलेगा कि बुरा चलेगा ये भी देखेंगे, पार्टनरशिप देखेंगे, डेली मंथली इनकम देखते हैं, डोमेस्टिक ट्रेवल देखते हैं, तो ये सारी चीज़ों का फल मंगल देगा क्योंकि सप्तम भाव में बैठा हुआ है, जहाँ बैठा है उस भाव का फल। दूसरा सूत्र क्या कहता है, जिस भाव का स्वामी है। मंगल इस कुंडली में पंचम भाव और दशम भाव का स्वामी है। अपनी दशा अंतर दशा में मंगल यहाँ का फल, यहाँ का फल, यहाँ का फल, इन तीन घरों का फल देने वाला है। आगे देखेंगे मंगल की दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ेगी मंगल उस भाव का भी फल देने वाला है। मंगल की दृष्टि दशम भाव पे पड़ेगी, मंगल की दृष्टि लग्न पे पड़ेगी, मंगल की दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगी, चौथी दृष्टि, सातवीं और आठवीं दृष्टि मंगल इन सब का भी फल देगा। मंगल जिस ग्रह के नक्षत्र में होगा उसका भी फल देगा। अब यहाँ पर मंगल मान लीजिए किसी भी ग्रह के नक्षत्र में है, जैसे गुरु के नक्षत्र में होगा तो कुंडली में गुरु जहाँ कहीं बैठा होगा उस भाव का भी फल ये देगा। अब यहाँ पर देखिए मंगल की उच्च राशि कहाँ पर है, मंगल की उच्च राशि यहाँ पर है, मंगल की नीच राशि कहाँ है, यहाँ पे है। तो मंगल अपनी अंतरदशा में अपनी उच्च राशि, भले उसमें बैठा हो या ना बैठा हो, अपनी उच्च राशि में बैठा हो ना बैठा हो, नीच में बैठा हो या ना बैठा हो, ग्रह अपनी उच्च और नीच राशि का भी फल देगा। कैसा देगा अभी आगे एक्सप्लेन करेंगे, अभी क्लास लंबी है। तो इसकी उच्च राशि यहाँ, नीच राशि यहाँ, राशि तुल्य नवमांश में भी देखना पड़ेगा कहाँ है, उस भाव का भी फल देगा। राशि तुल्य नवमांश आप समझ लीजिए, ये मंगल है लग्न कुंडली में बैठा है, इसको आप नवमांश कुंडली में देखिए मंगल किस राशि में है। कोई भी ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में है वह राशि लग्न कुंडली में जिस भाव में पड़ेगी वही उसका राशि तुल्य नवमांश है। मंगल यहाँ लग्न में मकर राशि में है, मैं मान लेता हूँ कि नवमांश कुंडली में यही मंगल 6 नंबर की गिनती पर होगा, नवमांश में 6 नंबर कन्या राशि पर होगा, तो लग्न कुंडली में 6 नंबर जहाँ पड़ रहा है मंगल अपनी दशा अंतर दशा में उस भाव का भी फल देगा। इतनी चीज़ें समझ में आपको आ गई कि ग्रह अपनी दशा अंतर दशा में मुख्य रूप से इतने फलों को देने वाला है। अब यहाँ पर एक विशेष चीज़ आपको शायद आपने नोटिस किया हो, आपको समझ में आया हो, जब इन चीज़ों को हम अप्लाई कर रहे थे और हम टिक करते हुए चल रहे थे किन किन भावों का फल देगा, तो कुछ भाव ऐसे नज़र आए हैं हमको जहाँ पर मंगल 2 बार रिपीट किया है। जैसे दशम भाव का मंगल स्वामी भी है, जहाँ जिस भाव का स्वामी है दशम भाव का स्वामी भी है और दशम भाव पर उसकी दृष्टि भी है, दशम भाव को 2 तरीके से प्रभावित कर रहा है मंगल, लग्न को 2 तरीके से प्रभावित कर रहा है, लग्न पे उसकी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है और लग्न में उसकी नीच राशि भी है। तो जहाँ अधिक प्रकार से प्रभावित कर रहा है उसका फल वह विशेष रूप से देगा। अब यहाँ मंगल कर्म भाव का स्वामी है, उसकी राशि है, दृष्टि भी है, स्वामी भी है, इस भाव का फल बहुत बढ़िया देगा। यहाँ उसकी नीच राशि है और दृष्टि भी नीच की है,
तो यहाँ हम क्या देखते हैं, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं, लेकिन कैरियर से जुड़ी हुई अपलिफ्टमेंट देने वाला है। दस सप्तम भाव का भी फल बहुत प्रबल रूप से देगा। क्यों? क्योंकि इन्हीं सूत्रों पे जब चलेंगे तो जहां बैठा है, बैठा कहाँ है, सप्तम भाव में। फिर उसकी उच्च राशि जिस भाव में हो, यानी जहां बैठा है वहीं उच्च राशि है, तो सप्तम का भी फल विशेष रूप से दे देगा। ये आप हर ग्रह के लिए जान सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने मूल विषय पर और बताते हैं इन सारे फलों का प्रभाव सबसे अधिक कब देगा। मंगल को मैंने उदाहरण स्वरूप पकड़ लिया है, मंगल उदाहरण है, आप अन्य ग्रहों को अपने हिसाब से समझेंगे। इस कुंडली में मंगल की अंतरदशा चल रही है। अब हम बारी बारी से बताते हैं कि मंगल जहां बैठा है उस भाव का फल सबसे अधिक अपनी पूरी अंतरदशा में कब देगा। 2 साल, 2.5 साल, 1.5 साल की जो भी मंगल की अंतरदशा है अलग अलग महादशाओं में, अब उस पूरे 1.5-2 साल तो समान फल देगा नहीं। उस पूरे 1.5-2 साल में मंगल जहां बैठा है उस भाव का फल कब अधिक देगा, जितने समय तक उसकी अंतरदशा चल रही है। मान लेते हैं जून से चल रही है, जून 2024 से चल रही है, और यह आगे 1.5 साल तक चलेगी, जून 25 ले लेते हैं, इतने समय तक मंगल की अंतरदशा है, जून 24 से जून 25। तो मंगल जहां बैठा है उस भाव का फल सबसे अधिक कब दे देगा, जब इस अंतरदशा के दौरान हम गोचर में जाके देखेंगे, और जब उस अंतरदशा के दौरान गोचर में मंगल जब जहां कुंडली में बैठा है जब उसी भाव में पहुंच जाएगा, तो सबसे अधिक फल जहां बैठा है उसका दे देगा। मान लीजिए दूसरे ग्रह का उदाहरण ले लेते हैं, शुक्र की अंतरदशा चल रही है जातक की, शुक्र कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा है। अब शुक्र की अंतरदशा 2 साल की है, तो 2 साल के दौरान शुक्र चतुर्थ भाव का फल सबसे अधिक कब देगा, जब वह गोचर में आपकी कुंडली से चतुर्थ भाव में जाएगा, चाहे लग्न से चाहे राशि से। दूसरा, ये आपको समझ में आ गया, जहां बैठा है उसका गोचर में ही, दशा को गोचर से यहाँ पे हम मिलान करना ही सिखाएंगे। तो ग्रह जहां बैठा है उसका फल अधिक दे देगा आपको, जब वह गोचर में उस भाव में पहुंचेगा। जिस भाव का स्वामी है उस भाव का फल सबसे अधिक कब देगा अपनी पूरी अंतरदशा में, जब गोचर में उसी अंतरदशा के दौरान गोचर में जब वह ग्रह अपनी जिन भावों का स्वामी है उन राशियों पे जब पहुंचेगा, उन राशियों पे जब पहुंचेगा तब तब प्रभाव अधिक देगा। जैसे मंगल वृश्चिक का स्वामी हुआ और मेष का, मंगल की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, उस अंतरदशा के दौरान जब मंगल गोचर में वृश्चिक राशि पे पहुंचेगा तो पंचम भाव का फल अधिक दे देगा, और गोचर में जब मेष पे पहुंचेगा तो दशम भाव का फल अधिक दे देगा। दृष्टि की बात करते हैं, जिस भाव पे दृष्टि डाल रहा है उस दृष्टि वाले भाव का फल अपनी अंतरदशा में कब देगा, तब देगा जब वह गोचर में ट्रांजिट में जिस भाव पे दृष्टि डाला है, जब गोचर में भी उसी भाव पर दृष्टि डाल देगा तो दृष्टि वाले भाव का फल अधिक घटित हो जाएगा। जिसके नक्षत्र में बैठा है उस ग्रह का फल कब देगा, जब गोचर में उस ग्रह की युति में आएगा या उस ग्रह की दृष्टि में आएगा। मान लेते हैं कि मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में है और बृहस्पति इस कुंडली में द्वादश भाव में बैठा है, मंगल बृहस्पति के नक्षत्र में, बृहस्पति द्वादश भाव में है, मंगल की अंतरदशा चल रही है, मंगल को गुरु का फल देना है क्योंकि मंगल गुरु के नक्षत्र में है, कब देगा, जब गोचर में मंगल के ऊपर गुरु की दृष्टि आ जाएगी या जब गोचर में मंगल और गुरु का संबंध बन जाएगा किसी प्रकार से, उस समय यह फल मिलेगा। अपनी उच्च राशि का फल अच्छा देगा और नीच राशि का फल खराब देगा। मंगल यहीं पर बैठा हुआ है, मंगल की नीच राशि लगन में है, अपनी अंतरदशा में मंगल लगन का फल खराब देगा। कोई भी ग्रह हो उसकी जो नीच वाली राशि पड़ रही है
जो उसकी नीच राशि जिस भाव में है दशांतर दशा में उसका फल खराब देगा। इसके कुछ अपवाद हैं अभी बताऊंगा। जहां उच्च राशि है उस भाव का फल अच्छा देगा। मंगल सप्तम का जो है प्रदर्शन बढ़ाएगा, प्रताप बढ़ाएगा, और वहीं उसकी नीच राशि लगन में है तो लगन का फल खराब कर देगा। अब याद रखिएगा, जहां मंगल की नीच राशि है किसी भी ग्रह की जिसकी अंतरदशा है उसकी नीच राशि जहां कहीं भी है, अगर उस राशि में जिसकी अंतरदशा है उसका स्वामी बैठा हो, राशि का स्वामी बैठा हो, तो उस समय में अशुभ प्रभाव नहीं आएगा। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज समझ लीजिए, यहाँ पर हमको लग रहा है कि मंगल की नीच राशि लगन में है कर्क, तो मंगल यहाँ का प्रभाव अशुभ देगा। मंगल किसकी राशि में बैठा है? शनि की राशि में बैठा है कुंडली में। अगर शनि यहीं पर आके बैठ जाएगा तो मंगल इस अपनी नीच राशि का भी अशुभ प्रभाव ना दे करके अच्छा प्रभाव दे देगा। मंगल जिसकी राशि में कुंडली में बैठा है, अगर वह राशि स्वामी मंगल की नीच राशि में बैठा होगा तो उस नीच राशि का प्रभाव भी अच्छा हो जाएगा। राशि तुल्य नवमांस वाले भाव का भी फल ग्रह को अपनी अंतरदशा में देना है। मंगल को हमने माना कि नवमांस कुंडली में कन्या राशि में है, तो लगन कुंडली में कन्या राशि जहां पर है उस भाव का भी फल मंगल अपनी दशा अंतर दशा में देगा। अधिक कब देगा? जब गोचर में मंगल कन्या राशि पर गोचर करे या कन्या राशि पर उसकी दृष्टि पड़ेगी तब अधिक फल मिलेगा। ये उम्मीद है ये दशा अंतर दशा का चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अब एक दूसरी बात हम आपको समझाते हैं, जन्म कुंडली में किन किन भावों का प्रभाव अधिक महसूस होगा जीवन में। जीवन में आपके कुछ क्षेत्रों का विशेष प्रभाव होता है हर आदमी के। कुछ लोग अपने आप को बहुत अधिक कर्मशील समझते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वे जीवन में बहुत लकी रहे हैं, भाग्यशाली रहे हैं, तो यह कैसे डिसाइड होता है? इसके लिए दो तीन से सूत्र हैं वो मैं बता दे रहा हूँ, पहले इसको क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला सूत्र मैं आपको यहां बताता हूं कि जैसे किसी ग्रह की अंतर दशा है मंगल की है तो आपको उसका फल सबसे ज्यादा अच्छा बुरा महसूस होने का एक सूत्र है। मंगल की अंतर दशा है कुंडली में और कर्क लगन है, तो लग्नेश कौन होगा? चंद्रमा होगा। जिस ग्रह की अंतर दशा है या जिस ग्रह की महादशा है, जब जब गोचर में आपकी कुंडली का लग्नेश और जिसकी अंतरदशा है वह ग्रह युति करेंगे या एक दूसरे पर दृष्टि डालेंगे, युति और दृष्टि, जैसे मानते हैं मंगल की अंतरदशा है और लग्नेश इस कुंडली में कौन है? चंद्रमा। तो जब जब गोचर में चंद्र और मंगल की युति होगी, दृष्टि संबंध होगा, तब तब मंगल की अंतरदशा में जो जो भाव के प्रभाव हैं, सभी भाव के जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया, उन सभी का फल आपको अधिक महसूस होगा, क्योंकि महसूस करने का काम किसका है? लग्न मतलब शरीर का। तो जब अंतरदशेष का संबंध शरीर के स्वामी लग्नेश से बनेगा तब तब उसका फल आपको अधिक महसूस होने लगेगा। दूसरा, अगर हम अंतर दशा और दशा की बिना बात किए हुए देखें कि जीवन में किस चीज का फल अधिक मिलेगा, तो आप यह जान लीजिए वह ग्रह जो लग्न में आके बैठा हो, ग्रह जो लग्न में आकर के बैठा होगा उस ग्रह के कारकत्व का और वह ग्रह कुंडली के जिस भाव का स्वामी होगा उनका फल आपके ओवरऑल लाइफ में अधिक परिलक्षित रहेगा, अनुभूत होगा, एक्सपीरियंस में रहेगा। भाग्य भाव का स्वामी लगन में जाके बैठा हो तो आप फील करेंगे कि भाग्य ने आपका साथ बहुत सारे मोर्चों पर दिया है, भाग्यशाली महसूस करेंगे। किसी भी भाव का स्वामी जो लगन में जाके बैठेगा उस भावेश का फल जीवन में अधिक परिलक्षित होगा।
हस्तेश जाकर के लगन में बैठा हो तो आपको रोग ऋण शत्रु और बीमारियों से जुड़ी हुई घटनाएं, अस्पताल से जुड़ी हुई घटनाएं, विवादों से जुड़ी हुई घटनाओं का सामना जीवन में अधिक रहेगा। इसी प्रकार से जिस भाव का स्वामी लगन में गया है उस भाव का फल, साथ ही साथ लग्नेश जिस भाव में गया हुआ हो, ये तो मैंने बताया कि लगन में जो ग्रह गया है, इसी प्रकार से लग्नेश अगर चतुर्थ भाव में आया हो तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जीवन में सुखोपभोग में अधिक लिप्त रहेगा, यानी उसको सुख की इच्छा अधिक रहेगी, सुख अधिक मिलने के चांस है, आराम पसंद उसका लाइफ हो, इस बात की संभावनाएं, इस भाव का फल उसके जीवन में अधिक परिलक्षित होगा। लग्नेश खष्टम में हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, तो खष्टम अष्टम और द्वादश भावों के फल उसके जीवन में दीर्घकालिक असर डालेंगे, ज़्यादा एक्सपीरियंस में रहेंगे। लग्नेश दशम भाव में हो तो व्यक्ति को अपने काम काज, अपनी नौकरी, यश और प्रसिद्धि से जुड़ा हुआ सेंसिटिविटी ज़्यादा बनेगा, उसका एक्सपीरियंस उसे जीवन में अनुभव ज़्यादा आएगा। लग्नेश नवम में गया हो तो व्यक्ति अपने आप को भाग्यशाली महसूस करने का अवसर बहुत बार पाएगा। यानी लगन में जो भाव का स्वामी गया है या लग्नेश जिस भाव में गया हुआ है उस भाव से जुड़े हुए फल जीवन में ज़्यादा परिलक्षित होते हैं। इसके अलावा एक अलग सूत्र मैं देता हूँ कि आपके जीवन में किन किन भावों का फल अधिक रहेगा, इसका एक दूसरा सूत्र है। जब कोई दो ग्रह कुंडली में राशि परिवर्तन किए हुए हो, दो ग्रहों का क्या हो, राशि परिवर्तन हो, या दो ग्रहों का युति हो, दो ग्रहों का संबंध बना हो, दो ग्रह जो राशि परिवर्तन करेंगे वो किसी ना किसी भाव के स्वामी होंगे। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 शनि महाराज यहाँ पर हैं और बुध महाराज यहाँ पर हैं और लगन भी तुला है। शनि और बुध ने राशि परिवर्तन किया है और दोनों लगन के मित्र हैं, क्योंकि महसूस जो करना है, एक्सपीरियंस जिसे होगा वो लग्न ही है। अब इस व्यक्ति के जीवन में चतुर्थ भाव और नवम भाव का एक्सचेंज हुआ है तो इस व्यक्ति को, जातक को, इन दोनों भावों के फलों की अनुभूति जीवन में ज़्यादा अधिक रहेगी और वो भी सुखद रहेगी, क्योंकि एक्सचेंज करने वाले ग्रह लगन के क्या हैं, मित्र हैं। यानी जो दो ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हों कुंडली में, युति कर रहे हों, वे जिन भावों के स्वामी हो करके युति में या राशि परिवर्तन में हैं, जीवन में उस भाव के परिणाम की अधिकता रहेगी। और अगर वे लगन के मित्र हैं तो सुखद परिणाम ज़्यादा रहने वाला है 95%, और वे लगन के मित्र नहीं हैं तो 50% से अधिक उस भाव से परेशानियां आएंगी। एक मित्र है, एक शत्रु है, तो वही मिला जुला असर मिलेगा, यह भी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब जब बात आई है कि किस भाव का प्रभाव अधिक सुखद या दुखद रहेगा, तो इस संदर्भ में एक बहुत ही प्रचलित सूत्र है, नियम है, कर्तरी योग। कर्तरी योग कहाँ कहाँ लागू होगा, जीव बहुत लकी होंगे जो लोग उन्हीं की कुंडली में यह पूरा सूत्र लगेगा, आधा अधूरा तो बहुत से लोगों में लगता है। जन्म कुंडली विश्लेषण में हम भाव को देखते हैं, भाव के स्वामी को देखते हैं और भाव के कारक को देखते हैं, इतनी चीज़ें देखी जाती हैं। अगर आपकी जन्म कुंडली में भाव भावेश, भावेश मतलब उस भाव का स्वामी, कारक, हर भाव का एक कारक होता, जैसे ये पंचम भाव क्या है, संतान का है, इस भाव को हम ले लेते हैं तो इस भाव का कोई ना कोई ग्रह स्वामी होगा और कारक कौन होगा, गुरु होगा। आपके जीवन में उस भाव का फल, उस भाव का सुख बहुत ही अच्छा दिव्य हो जाएगा, शांतिपूर्ण हो जाएगा, सुखद हो जाएगा, परम आनंद देने वाला हो जाएगा, जिस भाव के आगे और पीछे शुभ ग्रह हो, और भावेश के भी आगे पीछे शुभ ग्रह हो और कारक के आगे पीछे भी शुभ ग्रह हो।
पंचम भाव संतान का है अगर इसके दोनों तरफ शुभ ग्रह हो। संतान भाव का जो स्वामी है वह कुंडली में जहां कहीं बैठा है उसके आगे पीछे शुभ ग्रह हो। संतान का कारक गुरु है, उस गुरु के आगे पीछे शुभ ग्रह हो तो आप समझ जाइए कि उस भाव का फल जीवन में एकदम सुखद है, उसका नाश कोई कर ही नहीं सकता है। अगर तीनों ना मिले तो कम से कम दो मिल जाए, कम से कम एक मिल जाए, या फिर कुछ भी ना मिले तीनों में तो कम से कम ये ना मिले कि इसको शुभ कर्तरी बोलते हैं। अगर भाव के आगे और पीछे कोई क्रूर ग्रह होगा, पाप ग्रह होगा, भावेश के आगे पीछे पाप ग्रह होगा, भाव के कारक के आगे पीछे पाप ग्रह होगा, तो उस भाव का फल नष्ट होगा ही होगा, लेकिन उस भाव के कारण से आपके जीवन में परम अशांति, परम तकरार, परम चिंता तनाव की प्राप्ति होगी। जैसे संतान भाव के आगे और पीछे क्रूर ग्रह हो, संतान भाव का स्वामी जहाँ बैठा है उसके आगे पीछे क्रूर ग्रह हो, संतान का कारक गुरु उसके आगे पीछे क्रूर ग्रह हो, तो संतान के कारण आपको घोर कष्ट का सामना, घोर संताप्त झेलना पड़ेगा। वहीं अगर एक तरफ शुभ हो एक तरफ अशुभ हो तो वो दोनों बैलेंस हो जाता है ना, अच्छा है ना बुरा है, सामान्य चलेगा। लेकिन अगर तीनों ना मिले, एक ही मिल जाए, मान लीजिए भाव ही शुभ कर्तरी में है, भावेश ना शुभ कर्तरी में है ना पाप कर्तरी में, कारक भी नहीं है, एक ही शुभ कर्तरी में मिल गया तो भी अच्छा है, अगर एक ही पाप कर्तरी में मिल गया तो भी बुरा है, एक पाप कर्तरी एक शुभ कर्तरी में है, तो बल का आकलन करते हुए परिणाम निकालना चाहिए। इसी प्रकार से अब ये दशा अंतर दशा में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं कि अगर कोई ग्रह क्रूर कर्तरी में है तो वह आपको कष्टकारी और संताप प्रदान करने वाला होगा। देखिए, किसी न किसी ग्रह की क्या चलेगी, महादशा चलेगी, और किसी न किसी ग्रह की क्या चलेगी, अंतर दशा चलेगी। किसी भी महादशा में, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही है, चंद्रमा की चल रही है। चंद्रमा किन किन चीजों का फल देगा अपनी दशा अंतर दशा में, वो मैंने शुरू में बता दिया। जब भी चंद्रमा की महादशा में लग्नेश की अंतर दशा आएगी, चंद्रमा ही नहीं किसी भी ग्रह की महादशा हो या किसी भी ग्रह की महादशा जब होगी और जब उसमें लग्नेश की अंतरदशा आएगी, तब उस ग्रह की महादशा का फल, वह ग्रह जहाँ बैठा है, जहाँ का स्वामी है, जहाँ दृष्टि डाल रहा है, जिस राशि तुल्य नवमांस में है, जिस नक्षत्र में है, उसका प्रभाव आपको अधिक महसूस होगा। महादशा में जब लग्नेश की अंतरदशा आएगी तो महादशा नाथ के फलों की अनुभूति अधिक होगी। दूसरी चीज, जिस ग्रह की महादशा है और जिस ग्रह की अंतरदशा है, वे दोनों जिन भावों के स्वामी होते हैं परस्पर, उनका फल अधिक आपको मिलेगा। जैसे चंद्रमा मान लीजिए चौथे का स्वामी है, मंगल दशम भाव का स्वामी है, चंद्रमा की महादशा में मंगल की अंतरदशा आएगी तो चंद्रमा में मंगल जिन जिन भावों के स्वामी है उसका प्रभाव आपको अधिक प्राप्त होगा। और जब गोचर में लग्नेश का संबंध चंद्रमा और मंगल से बन जाएगा तब वह अपने पीक पॉइंट का प्रभाव देने लगेगा। उम्मीद है दशा महादशा और कुछ उनके घटनाओं के महसूस होने का जो समय मैंने बताया वह आपको समझ में आ गया होगा।